दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप में जिन जिन छात्रों ने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं ना 2023-24 वाले, उन छात्रों के लिए एक नया नियम जो है विभाग ने निकाल दिया है। दोस्तों अब ऐसा नियम निकाला है कि आपको जो बायोमेट्रिक जो साल में एक बार करवानी थी ना, वो एक बार ही करवानी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इतनी बड़ी आप सभी के लिए कर दी है कि अब छात्रवृत्ति मिलना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जो छात्र घर बैठे छात्रवृत्ति लेते थे ना और कॉलेज नहीं जाते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो अब पहले छात्रवृत्ति आराम से छात्र को घर मिल जाती थी और कॉलेज वो किसी भी दिन पढ़ने नहीं जाता था तब भी मिल जाती थी। समस्या ये थी कि बायोमेट्रिक करवानी थी, वो एक बार ही का नियम कर दिया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है। बदलाव करने का क्या रीज़न है कि छात्रवृत्ति कुछ जो है फर्जीवाड़े से ली जा रही है, उन सभी को रोकने के लिए कुछ अन्य नियम निकाले हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम एक और है दोस्तों, जिससे छात्रवृत्ति छात्रों की रुकने लग जाएगी। तो क्या नियम है दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं आपको कंप्लीट जानकारी वीडियो में बताने वाला हूं, जो बहुत बड़ी समस्या है, कैसे निकलना है इससे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, और हाँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बिना देर करते हुए, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी सी है आप सभी के लिए, छोटा सा अपडेट लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों अपडेट बहुत ही बेकार है, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इतना बेकार नियम निकाला है सरकार ने, विभाग ने, कि आप और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या है कंप्लीट जानकारी, जो भी है आपके सामने अभी मैं लेकर आ जाता हूँ। दोस्तों कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन है, आप जिन जिन छात्रों ने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं कि कॉलेज में अब 75% उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा नहीं होने पर अब छात्रवृत्ति रुकेगी। दोस्तों आप सभी को पता है कॉलेज में जो हाजिरी होती है ना, आपकी उपस्थिति अटेंडेंस, वो मिनिमम 75% होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको कॉलेज में कई बार फेल कर दिया जाता था। लेकिन अब दोस्तों जो छात्र घर बैठे अपनी स्कॉलरशिप ले रहे थे ना मंथली बायोमेट्रिक करके, अब नियम जो नया नियम था वो भी एक बार का ही कर दिया था ईयर में बायोमेट्रिक का। लेकिन उससे अगर हम फ्री होते हैं तो अब ये 75% की उपस्थिति है ना दोस्तों, ये वाली 75%, ये तो बहुत बड़ा नियम है। इसमें 75% के लिए आपको डेली कॉलेज जाना होगा तभी स्कॉलरशिप मिलेगी। बदलाव किया है, कम उपस्थिति वाले स्टूडेंट एग्जाम में भी नहीं बैठ सकेंगे इसकी वजह से। तो इसमें जो 75% है ना, ये नियम हुआ है, लेकिन कंप्लीट क्या है, कैसे किया है, क्या रीज़न है, चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। कॉलेजों में रेगुलर स्टूडेंट के लिए अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। कॉलेज आयुक्तालय ने इसके निर्देश जारी किए हैं। 75% से कम अटेंडेंस पर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप व इंटरनल असेसमेंट के मार्क से वंचित रहना पड़ेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और जो कॉलेज से नंबर जाते हैं ना दोस्तों आपके, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। साथ में उन्होंने एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा, एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने दिए जो है नहीं बैठने दिया जाएगा। नियमित विद्यार्थी टाइम टेबल के अनुसार अपनी कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराएं। 75% से कम उपस्थिति करने वाले स्टूडेंट नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जिनकी परसेंट कम है ना, उन्हें स्कॉलरशिप और परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, ये विभाग का कहना है। साथ ही सेमेस्टर प्रणाली में कॉलेज स्तर पर किए जाने वाले इंटरनल असेसमेंट में अटेंडेंस के आधार पर मिलने वाले मार्क्स और छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाएंगे, ये जो है आयुक्तालय ने बताया है। ऑनलाइन प्रवेश कार्य के तहत विद्यार्थी 6 अगस्त तक आवेदन अपने जो हैं सत्यापन करा सकते हैं, ये कुछ जानकारी इसमें बताई है। लेकिन अब छात्रों को ये लग रहा होगा कि भाई साहब हमारी तो 75% उपस्थिति है ही नहीं, फॉर्म हमने भर दिया है और अभी पेंडिंग है, तो क्या हमारी स्कॉलरशिप इसमें आएगी या फिर नहीं आएगी। दोस्तों एक और इसमें आपके लिए खुशखबरी भी है कि जो छात्र समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप है आपकी, कौन सी वाली जो है आपको पता होगा, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अभी हाल ही में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को इसमें नहीं जोड़ा है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं वो भी यहाँ से देख लीजिए। इन स्कॉलरशिप योजनाओं का नहीं मिलेगा फ़ायदा। 75% किस किस योजना में चाहिएगी स्कॉलरशिप में, एक तो कालीबाई भील स्कूटी योजना, जो स्कूटी मिलती है उसमें 75% चाहिए, अगर उससे कम परसेंट आपकी रहती है, उपस्थिति की बात कर रहा हूँ मार्क्स नहीं,
उपस्थिति अगर 75% से कम है तो आपके इस जो है योजना में लाभ नहीं मिलेगा। देवनारायण स्कूटी योजना दूसरी योजना है, इसमें भी आपको जो है लाभ प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, जिसमें बहुत ज़्यादा छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं और अब जो है परसेंटेज बेस पर इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन 75% इनकी कॉलेज में उपस्थिति नहीं मिली ना दोस्तों, तो भी इन्हें इस योजना से अलग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में जितनी भी योजनाएं आती हैं सभी में 75% का नियम लागू होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह जाती है, आपकी जो समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति है, आपकी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री और पोस्ट दोनों आ जाती है उत्तर मैट्रिक में, इन दोनों में ये नियम नहीं है। लेकिन दोस्तों 2023-24 के जिन छात्रों ने फॉर्म अप्लाई कर रखे ना, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर 2024-25 में अगर समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म जिन छात्रों ने जो छात्र अप्लाई करेंगे उनके लिए ये नियम जल्द से जल्द आ सकता है। अगर एक दूसरी स्कॉलरशिप में नियम बन गया तो आपकी उस स्कॉलरशिप में भी बनेगा। तो इसलिए जो छात्र हैं फॉर्म अप्लाई करवा रखा है उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, और जो 2023 के छात्र हैं उन्हें भी समस्या नहीं है, लेकिन नए छात्र आएंगे उनके लिए यह सबसे बड़ी समस्या बनेगी। तो आपके लिए एक ही राय, ऐसा करना, अपनी स्कॉलरशिप को ज़्यादा पोस्टपेंड मत करना, जितना हो सके अप्रूव करवा लेना, फॉर्म को पेंडिंग नहीं रखना है। नियम कुछ अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। जिन छात्रों को नहीं मिली है मिल जाएगी दोस्तों, अब कब मिलेगी, क्या है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रही, वो अलग बात है, लेकिन इन नियमों से तो बचने के लिए आप अपना जो काम है उन्हें तो कंप्लीट करवा के रहना है आपको। तो ये कुछ इस प्रकार के नियम है दोस्तों, इसमें आपने ये देखा है न्यूज़ में, ये आया है। इससे पहले और भी अपडेट आया है न्यूज़ में, कॉलेज में रेगुलर एडमिशन वाले स्टूडेंट की अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य, ऐसा नहीं होने पर रुकेगी छात्रवृत्ति। तो इस नियम का ये भाई साहब मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं सभी भाई अपने भाई बहनों से बता रहा हूँ ये चीज़। तो इसमें वंचित जो छात्र रह जाएंगे ना, वो वंचित ही रह जाएंगे, इसलिए आपको अपना ये काम तो करवा लेना है। और अभी तो नियम लागू नहीं होगा ये समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप में, तो आने वाले टाइम पर होगा। अगर जो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप ले रहे हैं भाई साहब, सोच लेना अपना काम, लेकिन अब फर्स्ट ईयर के हैं या कोई भी इस ईयर तक का छात्र है वो तो अपनी आराम से ले सकता है। जिनका फॉर्म पेंडिंग है ज़रूर अप्रूव करवाने की सोच लो, बिल आने के बाद में आपकी स्कॉलरशिप लेट हो जाती है वो दोस्तों फिर आपकी गलती रह जाती है इसमें। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर लेना, और हमारा एक ही काम करना है आपको, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें भी और आपको भी दोनों अपडेट और टाइम जो अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।